प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या कर रही आप दया भाभी? सॉरी भिड़े भाई, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन आपको तो देखकर चलना चाहिए था ना। दया भाभी, आदमी सामने देखकर चलता है, ऊपर देखकर नहीं चलता, मेरा ध्यान कैसे जाएगा ऊपर? सॉरी बाबा सॉरी। आप ये क्या कर रही है, पानी को क्यों वेस्ट कर रही है? अरे कल ही मैंने सबको बताना पड़ेगा। नहीं, नहीं। अरे रोशन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी। अरे भीड़ भाई, इतनी छोटी बात के लिए आप सबको क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? अरे भाभी ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, सबको बताना ही पड़ेगा। अरे अरे भीड़ भाई। गुड मॉर्निंग भीड़ भाई, बोलिए। आप एक मिनट। अरे वाह दया भाभी, साफ सफाई एंड ऑल, मैं भी कल करूंगी। क्या हो गया? हाय बबीता। अरे हाय एवरीवन। हाय बबीता, कैसे हो? हाय रोशन भाभी, हाय कमल भाभी, हाय डेविन। गुड मॉर्निंग रोशन भाभी। हाय कमल भाभी। हाय रोशन भाभी, नाइस कलर। हाँ थैंक यू। एक मिनट मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने अभी अभी न्यूज में देखा है कि मुंबई को जिन तालाबों से पानी का सप्लाई किया जाता है वहाँ पे पानी का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है, तो महानगर पालिका ने 50% पानी की कटौती जाहिर की है। हो खुदे, पर भिड़े भाई हमारे सोसाइटी में तो 24 घंटा पानी आता है। हाँ। वो इसलिए कोमल भाभी क्योंकि हमारे सोसाइटी में पहले आधे इंच की पाइपलाइन थी जो मैंने बदलवाकर 1.25 इंच की कर दी थी, तो लेकिन पानी कटौती का कोई भरोसा नहीं है ना, इसलिए मेरी आप सबसे विनती है रोशन भाभी के पानी का कम से कम उपयोग करें और उसका फिजूल का इस्तेमाल ना करें प्लीज। ठीक है? ठीक है। ओके ओके भीरे भाई, मैं ध्यान रखूंगी। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। अरे बहू। जी जी बाप पूछिए। अरे बहू, वो अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए किताबें लाया हूँ, वो जरा संभाल के रख देना, परसों अनाथ आश्रम जाऊंगा तो लेके जाऊंगा। जी बापू जी। अरे बहू। हाँ? जरा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। जी जी। ज्यादा ये गर्मी मार। क्या संभल के बॉक्स रखने की जगह है? ऐसे रास्ते में? अरे क्या सुनिए, अभी मैं गिर जाता, मेरी हड्डी पड्डी टूट जाती तो एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे दया। ए भाई, ये बहू को क्यों डांट रहा है? वो बॉक्स मैंने रखे हैं। आपने रखे तो आपने सोच समझ कर रखे होंगे बाबू जी। अरे सोच समझ के क्या, नीचे से ऊपर उठा के लाया तो उसकी रस्सी हाथ में लग रही थी इसलिए वही रख दिए, और बहू उसे उठा के रखे उससे पहले तू आ गया। सॉरी बाबू जी सॉरी। और तू भी ऐसे ऊपर देख के राजा पाट में चल रहा था, नीचे देख के नहीं चल सकते था? सॉरी बाबू जी सॉरी। अभी सॉरी बोलना बंद कर और उसे उठा कर ऊपर रख। सॉरी। Yeah.
मजंदर ला ला पानी ला बापूजी के लिए है तो बापूजी के लिए ही मांग रहा हूँ ला बापूजी को दे रहा हूँ आपको पीना है मैं दूसरा पानी लेकर आऊँ नहीं मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए मांग रहा हूँ पीना नहीं है मुझे पानी काम कर पानी रहने दे टुवाल लेके आ क्या बहुत आजकल गर्मी बहुत है ना बापूजी नहाने का मन कर रहा है आजा नाले नाले बहुत गर्मी चढ़ गई है तेरे सर पे क्या 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 ऐसा ऐसा क्या गर्मी गर्मी ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ गर्मी बहुत ऐसा तूने मुझे बताया क्यों नहीं और बॉक्स बापूजी ने उधर रखे हैं अरे मैं आपको बताने ही वाली थी लेकिन आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया क्या बोलने नहीं दिया मैंने तेरा मुंह थोड़ी बंद करके रखा था अच्छा अभी मैं नहाने जा रहा हूँ खाना तैयार है क्या नहीं बहुत भूख लगी है मुझे हाँ आज तो काठियावाड़ी खाना बनाया है सेव टमाटर नु साग गर्मा गर्म बाजरा रोटला देसी मक्खन गोल मसाला छाछ आपको तो टेस्टड़ा हो जाएगा उंगलियां चाटते रह जाएंगे तो एक काम करता हूँ पहले मैं खाना खा लेता हूँ बाद में नहा लूंगा नहीं 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 खाना खाने के बाद आप नहीं नहा सकते क्यों अरे शास्त्र में लिखा है क्या शास्त्र में लिखा है कि नहाने के बाद खाना चाहिए खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए कौन सा शास्त्र में लिखा है ऐसा पाक शास्त्र में अच्छा एक मिनट तूने कभी पढ़ा है सब शास्त्र नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ा हाँ तो मेरी माँ ने पढ़ा है तो माँ ने मुझे बताया कि बेटा हमेशा नहाने के बाद ही खाना चाहिए चलिए अब जल्दी से नहा लीजिए तब तक मैं क्या गरबा अरे नहीं नहीं आपके लिए गर्मा गर्म बाजरे के रोटले बनाती हूँ हाँ बना जल्दी बना जल्दी हाँ। बना अरे मेरा टुवाल कहाँ है अरे हाँ देती हूँ पानी दे दूंगी तो फिर हम लोग पियेंगे क्या नहीं 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 हाँ ये इस तरह पानी है
ये तो बहुत कम पानी है, थोड़ा और पानी मिल जाए तो टप्पू के पापा को नहाने में मजा आ जाएगा। इसमें डाल देती तो टप्पू के पापा नहाने के बाद लाल चटक हो जाता। क्या हुआ अभी? अभी भी थोड़ा ही पानी है, थोड़ा और पानी डाल दूं तो और मजा आ जाएगा। अरे हाँ, फ्रीजर में से वाह हो गया। आई टप्पू के पापा ये लीजिए पानी। गर्मी में तो ठंडे ठंडे पानी से नहाने की मजा ही कुछ और है। और हाँ, नहाते नहाते साथ में गाइए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना। हो गई सर्दी। तो पापा ठंडे पानी से नहाने का मजा आ गया ना? अरे क्या मजा आया, ऐसा कोई ठंडा पानी देता है नहाने के लिए, वो भी फ्रिज का, वो भी बर्फ का टुकड़ा वाला? Nonsense. Sorry. लेकिन मैं क्या करती, घर में कहीं पानी नहीं था और आपकी आंखों में साबुन चला जाता तो। थैंक यू आपने मुझे पानी ला के दिया। अभी जाकर बिना का पूछता हूँ, आज बिना हो जा पानी कैसे चला गया? अरे सुनिए टप्पू के पापा, आप कपड़े तो पहन लीजिए। ये कपड़े नहीं तोर क्या है? भिड़े भिड़े बारो भिड़े। हेलो जेठालाल। जेठालाल क्या आप, जब भी जेठा भी बुलाते आप डर क्यों जाते हो? डर कौन रहा है माधवी, चौक गया मैं। अरे हेलो रे बाबा। अरे भिड़े। आप बोलो जेठालाल। अरे जुकाम हो गया? हाँ, और यह जुकाम तुम्हारी वजह से हुआ है। सत्य है? मेरी वजह से? अरे मैं नहाने गया तो अचानक बाथरूम में पानी बंद हो गया,
ब्रिज का पानी से नहाना पड़ा मुझे। अरे लेकिन ऐसे कैसे बंद हो गया पानी? हाँ। अरे भाई वही तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ, तुमने टंकी बंद कर दिया होगा। सत्य है। ए गप ना। क्यों क्यों गप क्यों गप क्यों बोल रहे? बराबर है, देखो पकड़ में आ गए इसके चोरे। माफी भाभी बोल रहे, सत्य तो बोल रहे, गप रो। अरे इसका सत्य का मतलब कोई छींकता है ना तो हमारे में सत्य है ऐसे बोलने का रिवाज है। हाँ है सत्य है। हाँ लेकिन तुमने जो बोला है ना वो असत्य है। हाँ। यार ऐसे ही इतनी गर्मी है और ऊपर से। अरे अच्छा हुआ भिड़ा यहाँ मिल गए, अभी का कटु सत्य ये है कि पानी नहीं आ रहा है। ले आपके इधर भी नहीं आ रहा? नहीं तुम्हारे इधर भी नहीं आ रहा। अरे नहीं बबीता जी कैसे? I'm fine. Bless you. Bless you. अरे उन्होंने अंग्रेजी में बोला सत्य है। थैंक यू। ओ भाई इस टाइम पे ये पानी क्यों चला गया? इस बात के सेक्रेटरी हो तो ध्यान रखना चाहिए ना। अरे क्या पानी चला गया? और नहीं तो क्या? अरे भिड़े भाई आपने तो कहा था कल से पानी की कटौती है, तो आज कैसे पानी चला गया? हाँ बोल बोल जवाब दे। हाँ और अगर जवाब नहीं दे सकते तो नोटिस बोर्ड पर लिख कर रखना चाहिए ना। भिड़े भाई आपने कहीं पानी कटौती का सबक सिखाने के लिए तो पानी पर नहीं करवा दिया ना? अरे दया भाभी ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? हाँ। अरे क्या नहीं भिड़े, वेकेशन में स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं तो सबक किसको सिखाऊं? सोचा सोसाइटी वालों को ही सिखा दूं तो सबक सिखाने के लिए कर सकते हो तुम पानी बंद। हाँ ये बात मुझे ठीक लगती है। बराबर है भाई, इसके लिए तो सब होगा, वो ही है ना वो क्या बोलते हैं उसका छात्र। क्या करते हो भिड़े भाई, एक काम तुमसे ध्यान से होता नहीं है, एक मैं सेक्रेटरी बोल के ये बस ये करते रहते हो। अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुना, मैंने पानी बंद नहीं किया है। तो फिर पानी क्यों नहीं आ रहा है? अरे तो फिर पानी बंद ऐसे कैसे हो गया फिर? अरे क्या हुआ भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है? मुझे नहीं मालूम। अरे भाई तो तुमको मालूम क्या है? अरे बबीता जी जब सोसाइटी में ये इसको वोट पाटने का होता है तो ऐसा कॉलर टाइट करके आ जाता है। सोसाइटी का एक में वह सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे खाली नाम का सेक्रेटरी है, बाकी सेक्रेटरी है सेक्रेटरी। सत्य है ये बंद करो। सत्य सत्य एकदम सही बोला तुमने जेठालाल भाई, जवाबदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? हाँ बे। अरे बताओ ना भिड़े यार क्या कारण क्या है? अरे मुझे बताओ बताओ। हाँ भिड़े भाई बोलो तो सही। अरे हाँ भाई कब से वही बोल रहा हूँ, सामने है ना कहते बिगड़ समझ में ना। अरे भाई पानी अचानक कैसे बंद हो गया? कोई तो भिड़े मास्टर पानी नहीं आ रहा है। अरे बाप रे ले बोलो आपके इधर भी गया? अरे डॉक्टर साहब इतनी देर से हम सब भी यही सवाल कर रहे हैं कि भाई पानी क्यों बंद हो गया अचानक इस टाइम पे, लेकिन जवाब है ही नहीं भाई साहब के पास। क्या भिड़े भाई आपने बोलना तो चाहिए ना, मेरा पूरा खाना बनाना बाकी है, मैं पानी तो भर के रखती थी। अरे भाई वही मैं बोल रहा हूँ आती भाई, किसी को मुझे नहीं मालूम, मैं सबको वही बोल रहा हूँ कब से कि मुझे नहीं मालूम कैसे गया पानी। अरे भाई तो अभी क्या है मेहता साहब को ये करो क्या, अभी मतलब क्यों को पूछा था मैं, अचानक पानी ऐसा अपने आप गायब हो जाएगा। अरे एक मिनट। अरे भाई भिड़े बोल रहा है ना कि उसने टंकी का पानी बंद नहीं किया है तो इसका मतलब प्रॉब्लम कोई दूसरा है। आप सब लोग नीचे आओ ना, नीचे मिलकर डिस्कस करते हैं क्या आखिर प्रॉब्लम क्या है। हाँ। चलो आओ जल्दी आओ। हाँ भिड़े मास्टर जल्दी नीचे आओ। हाँ भाई यार देखते भाई क्या प्रॉब्लम है। चलो चलो नीचे नीचे भिड़े नीचे। हाँ चलो चलो। बराबर है टप्पू के पापा ठंडे पानी से नहाए दो भिड़े। हाँ एक मिनट भिड़े एक बार तुम फिर सोच लो, तुमने टंकी का नल बंद नहीं किया है? नहीं किया मेहता साहब। और पानी की कटौती आज से शुरू नहीं है? कल से आज से नहीं। और सुबह तुमने जब टंकी को चेक किया उसमें पानी फुल था? बिल्कुल फुल थी। तो फिर क्या टंकी का ढक्कन खुला रह गया और पानी भाप बन के उड़ गया? क्या पानी ऐसे गायब थोड़ी हो सकता है भिड़े? तो क्या मालूम। एक मिनट, शाम को काफी टाइम रोशन भाभी के घर से पानी बहने की आवाज आ रही थी, तो हो सकता है उनके घर का नल खुला रह गया हो। और आज सोडे भी नहीं है यहाँ पे, कहाँ से सोडे का बोला? सोडे नल चालू है क्या? सोडे अरे नल चालू क्या?
हल्ला बोल दिया गया है। सोढ़ी के घर के बाहर गोकुलधाम के निवासियों ने हल्ला बोल दिया। कहाँ है सोढ़ी भाई? कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि गधे की लात, मूत की बात और गोकुलधाम के हालात किसी के बस में नहीं है, और हालात इस वक्त सचमुच बस में नहीं है। सोढ़ी पता नहीं क्या रिएक्ट करते, वो सोढ़ी जो बात बात में बिना बात के भंगड़ा करने लगते हैं, वो इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेंगे? आपको क्या लगता है, गुस्सा होंगे, लड़ाई करेंगे या इस आरोप को सहन कर लेंगे? भाई इस बात को तो हम देखेंगे, लेकिन एक खास बात जो आपको मुझे आज बतानी है, जो पिछले दिनों बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण घटना रही, गुजरात के 12वीं कक्षा के इम्तिहान में बेला शाह नाम की एक बच्ची जिसने पूरे गुजरात में टॉप किया, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने इतनी पढ़ाई की कि आप पूरे गुजरात में प्रथम स्थान को आपने पाया है, तो अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए आप क्या करती थी? उन्होंने एक जवाब दिया कि मैं अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए सिर्फ एक शो देखती थी जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचिए तो, इस देश के करोड़ों लोगों जिनका प्यार इसी तरह से हमें मिलता है कि वो लोग अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए, खुश रहने के लिए, हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। बेला शाह को बहुत बहुत बधाई, और उस बधाई के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए कि जब सोढ़ी आएंगे तो क्या होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।